हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब हम पढ़ेंगे आज वाक्य। अभी हमने कविता पढ़ी, आपने कविता सुनी लाइव क्लास में भी, मगर अब हम व्याकरण आज शुरू करते हैं। व्याकरण में हम पढ़ेंगे आज वाक्य। अब वाक्य क्या है? बोलने में तो बहुत आसान है वाक्य, और सभी जानते हैं वाक्य क्या है, मगर जब आप इसे समझाना चाहेंगे तब सोचेंगे कि वाक्य क्या है। वाक्य पदों का वह सार्थक समूह जिसमें पूर्ण अर्थ प्रकट हो। आए बच्चों समझ में? पदों का वह सार्थक और व्यवस्थित समूह जिससे उसका अर्थ समझ में आ जाए। अब पद क्या है? पद मतलब होता है शब्द। जब वाक्यों में शब्द का प्रयोग होता है तब वह पद कहलाता है। अब हमने ये परिभाषा में पढ़ा कि पदों का वह समूह, सार्थक समूह, जब शब्द को वाक्य में रख करके और बात आपके समझ में आ जाए तब उसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य जो रहते हैं, वाक्य क्या हैं, उसे कितने भागों में विभाजित किया, उसके कितने प्रकार हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने भी कहा वाक्य, खा तुम लो, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तुम खा लो, ये व्यवस्थित समूह हो गया। कि शब्दों के नियमों के वाक्य जो रहते हैं वो व्याकरण के नियमों से ही बंधे रहते हैं, और सार्थक जब अर्थ को लिए हुए होते हैं तब वो वाक्य कहलाते हैं। अब बच्चों देखो, वाक्य के अंग, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य भी कई प्रकार के होते हैं, विधेय भी, मगर हमें अभी केवल इतना पढ़ना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य, और जो कहा जाए वो विधेय कहलाता है। तुम पढ़ाई कर लो, है ना, हमने एक शब्द, निजाम पढ़ाई कर रहा है। अब यहां पर उद्देश्य क्या हुआ? निजाम, जिसके बारे में कहा जाए। पढ़ाई कर लो वो हो गया विधेय। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हो जो इंग्लिश में, बस वही यहां पर हम उद्देश्य और विधेय पढ़ेंगे। जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य, और जो कहा जाए वो विधेय कहलाता है। तो वाक्य के प्रमुख दो अंग हमने पढ़े, एक होता उद्देश्य, एक होता विधेय। जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य, जो कहा जाए विधेय। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बच्चों के बारे में कहा गया इसलिए ये उद्देश्य, और जो कहा गया उसे हम विधेय कहते हैं। तो वाक्य में से आपको दिया जाएगा प्रश्न कि वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छाटें, तो जो कहा जाए वो उद्देश्य और जिसके बारे में कहा जाए वो विधेय कहलाएगा। अब बच्चों हम आते हैं वाक्य के प्रकार पर। वाक्य दो प्रकार के, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अभी अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, और रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। मगर यहाँ आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे, और इस वीडियो में अर्थ के आधार पर हम 4 वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आगे और 4 वाक्यों को विस्तार से समझाया जाएगा। तो अब अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? विधानवाचक बिल्कुल सरल वाक्य होता है, क्रिया करने या होने का सामान बोध जहां पर हो वहां विधानवाचक वाक्य होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया का विधान हो, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस,
सरलता से जिस बात को कहा जाए उसे विधानवाचक वाक्य, इसमें एक क्रिया के होने का सामान्य बोध होता है। अब आप चाहेंगे कैसे, तो सुने, विधानवाचक वाक्य, सूर्य पूर्व से उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, चिड़िया चहक रही है, बच्चे खेल रहे हैं। जहां पर सरलता से एक वाक्य का विधान होता है वहां पर विधानवाचक वाक्य होता है। इसमें क्रिया के करने या होने का सामान्य बोध हो तब वहां पर विधानवाचक वाक्य होता है। तो आप जानेंगे अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो, सरलता से बात को समझाया जाए, तब वहां पर विधानवाचक वाक्य होता है। अब दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में नकारात्मकता का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। निषेध नहीं, जहां नहीं का बोध हो, बहुत आसान है बच्चों, केवल शब्दों से आपको समझ में आ जाएगा। निषेध मतलब नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं लिख सकता, मैं नहीं खाऊंगा, तुम मत जाओ। जहां पर नहीं शब्द का प्रयोग, जहां निषेधात्मकता हो, नहीं का स्पष्टता से समझ में आए, जिन वाक्यों में नकारात्मकता हो, नहीं हो, वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं। अब आया इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में वक्ता की इच्छा या आशा हो, बोलने वाला जब अपनी इच्छा प्रकट करता है या आशा बंधी हुई हो तब वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। कैसे, जैसे तुम सदा खुश रहो, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यहाँ वक्ता की इच्छा है और वो जब बोलता है तो बोलने वाले की उस इच्छा को प्रकट किया जाए, वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। तो वक्ता की इच्छा या आशा जहाँ पर हो, जैसे मैंने कहा नव वर्ष मुबारक हो, जीवन में आप सफल रहें, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आया जो प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर आठ तरह के वाक्य होते हैं, अभी हम चार वाक्य पढ़ेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य, जहां वक्ता कोई प्रश्न पूछे, बहुत आसान है, जैसे निषेध में बिल्कुल नहीं, इच्छा में वक्ता की इच्छा जाहिर हो। प्रश्नवाचक वाक्य में वक्ता जब कोई प्रश्न करता है तब वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तुम क्या कर रहे हो, तुमने लिख लिया क्या, तुम क्यों बैठे हुए हो, यहाँ प्रश्न और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना आवश्यक होता है, तब वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जहां पद लिखा, पद मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्द। वाक्य के प्रमुख दो अंग पढ़े हमने, उद्देश्य और विधेय, जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य, जो कहा जाए विधेय, और उसके बाद हमने पढ़े वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अभी हम एक में अर्थ के आधार पर वाक्य सिलेबस है, तो उसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, इन वाक्यों को हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त और जो न समझ में आए वो हमसे फिर लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। आगे के जो वीडियो रहेगा उसमें आखिरी के आप चार वाक्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे, और कोई कठिनाई हो तो पुनः वीडियो लाइव क्लास में आप उससे पूछ सकते हैं।